ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहूणम नम समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दित्व सौवसिद्धे ध्रूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर् मिनमोऽसुज केवलीभणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज भरत क्षेत्र का भगवान जो गुरुदेव श्री कहते थे और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका अपन देख रहे हैं। सबसे बड़ा अधिकार और सबसे सर्वोत्कृष्ट अधिकार समयसार का वो है कर्ता कर्म अधिकार और उसकी गाथाएं अपन देख रहे हैं। अनादिकाल से जो कर्ता बुद्धि हो रही है, अनादिकाल से ये कर्ता बुद्धि के कारण ये चतुर गति में परिभ्रमण कर रहा है, इसको तोड़ाने के लिए ये अधिकार लिखा गया है। हमने कल कलश देखा था 50 नंबर का, अब उसके बाद हम 83 नंबर की 83 नंबर की हम गाथा देखेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे, पहले तो उत्थानिकामा कहा, क्या कहा है, तेथी ए सिद्ध थयु के जीव ने पोतानाज परिणामों साथे कर्ता कर्म भाव अने भोक्ता भोग्य भाव छे इम हवे कहे छे। अभी तक तो कर्ता कर्म की बात की, परंतु अब ये गाथा में साथ में भोक्ता भोग्यपना भी ले लिया, भोक्ता भोग्यपना भी साथ में ले लिया, क्योंकि जहाँ कर्ता कर्मपना है वही वहाँ पे भोक्ता भोग्यपना भी होगा। और कर्ता कर्मपना अभी तक यहाँ पे कहते आ रहे हैं कि एक ही द्रव्य में लागू पड़ता है ना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है। अभी ये गाथा में देखो क्या कहते हैं, आत्मा करे निज नेज ए मंतव्य निश्चय नयतनु वड़ी भोगवे निज नेज आत्मा ए मनिश्चय जानवु। गाथार्थ, निश्चय नैनो एम मत छे के आत्मा पोताने ज करे छे अने वड़ी आत्मा पोताने ज भोगवे छे एम हे शिष्य तू जान। अब देखो क्या कह रहा है, या क्या कह रहे यहाँ पे, माने आत्मा अपनी पर्याय का करता है। ये कथन किस नई का है, निश्चय नई का है। निश्चय नई से आत्मा अपने गुण पर्याय का करता नहीं, अपने गुण पर्याय का करता है कौन, आत्मा, ऐसा कहना ये निश्चय नई का कथन है। अंतर समझ में आया, हम कहते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं ना, निश्चय नहीं से आत्मा अपनी पर्याय का करता है, नहीं, अपनी पर्याय का करता आत्मा है ऐसा कथन करना ये निश्चय नहीं का कथन है। क्योंकि निश्चय नहीं से कार्य नहीं होता, नहीं तो ज्ञान की पर्याय है ना, नहीं कहा लागू पड़ता है, नहीं कहा लागू पड़ता है ज्ञान में, जानने में नहीं लागू पड़ते है। आत्मा अपनी पर्याय का करता हुआ ऐसा जिस नई ने जाना उस नई का नाम है निश्चय, है ना। आत्मा के गुण धर्मों को आत्मा से कहना ये निश्चय नई का कथन, और उसकी पर्याय को किसी और से कहना वो व्यवहार नई का कथन है। क्योंकि पराश्रित सो व्यवहार और स्वाश्रित सो निश्चय, है ना, अपनी पर्याय का अपने से कथन करना वो निश्चय नहीं, और अपनी ही पर्याय पर की अपेक्षा पर के आश्रित कथन करना वो हो जाएगा व्यवहार में। जैसे कि मट्टी का घड़ा कहना
वो निश्चय नहीं, परंतु घी का घड़ा कहना वो हो जाएगा व्यवहार नहीं। चार प्रकार के निश्चय नहीं आते हैं ना, चार प्रकार के, अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं और परम शुद्ध निश्चय नहीं। देखो ये चार के विषय क्या है, रागादि पर्याय को आत्मा के साथ अभेद कहता है कौन, अशुद्ध निश्चय नहीं, माने आत्मा राग का कर्ता ये कहना अशुद्ध नहीं कथन है, आत्मा निर्मल पर्याय का कर्ता ये एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, आत्मा केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता ये पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, और आत्मा अकर्ता ये परम शुद्ध निश्चय नहीं का कथन। फिर से चार निश्चय नहीं के विषय क्या है, सबसे पहले आत्मा रागादि का कर्ता कहा तो ये किस नहीं का कथन है, अशुद्ध नहीं का कथन है। आत्मा एक देश निर्मल पर्याय का कर्ता है, आत्मा माने निर्मल पर्याय का कर्ता है ऐसा कहना वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का कथन, आत्मा केवल ज्ञान का कर्ता ये कथन पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं का कथन, और आत्मा अकर्ता ये परम शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। माने जिस पर्याय का आत्मा कर्ता बनता है उस प्रकार से कथन करना, उस प्रकार से कहना वो हो जाएगा नहीं, और वो कितने में डिवाइड हुआ है, चार प्रकार के, कितने प्रकार के नहीं है, चार प्रकार के है ना। अब यह कहता है कि स्वयं ये रागादि परिणाम का कर्ता स्वयं आत्मा ही है, कोई और नहीं है, है ना। हम दोष किस पे देते, कर्म पे, कि कर्म ने राग कराया। पंडित टोडरमल जी ने कहा है ना कि स्वयं तो महंत बनना चाहता है और आरोप दोष किसको देता है, कर्म को देता है। ऐसी अनिति जिन शासन में संभवे नहीं, स्वयं भूल करे और दोष किसी और को लगाए तो कहते हैं कि वो कभी दोष नहीं मिटा पाएगा, उसकी भूल कभी दूर नहीं होगी। माने राग स्वयं करता है, दोष स्वयं का है भाई, दोष स्वयं का जानेंगे तो अपनी दृष्टि पर से भी हट जाएगी, दोष को टालने के लिए स्वभाव पर दृष्टि जाएगी और वो दोष पर्याय में से टले बिना रहेंगे नहीं। यहाँ पे ये गाथा में कह रहे हैं, देखो ये गाथा में कह रहे हैं कि आत्मा अपनी पर्याय का करता है, आत्मा अपनी पर्याय का करता है और भोगता है, आत्मा कर्म को करता नहीं और भोगता नहीं, ठीक है ना। और कर्म अपनी पर्याय को करता है भोगता है, आत्मा की पर्याय को करता नहीं भोगता नहीं। क्या बताया, चार पॉइंट फिर से, आत्मा अपनी पर्याय का करता है भोगता है, कर्म की पर्याय को करता नहीं भोगता नहीं, और कर्म अपनी पर्याय को करता है भोगता है परंतु पर की माने आत्मा की पर्याय को करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, ठीक है ना। अब देखो टीका में बहुत जबरदस्त एक दृष्टांत, इतना सरल दृष्टांत कि सबको समझ में आ जाए, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव ने सरल दृष्टांत से वो पूरा पूरा यहाँ पे वो गाथा का भाव समझा दिया। क्या कहते हैं, देखो अमृतचंद्र आचार्य देव ने काम कितना सरल कर दिया। यहाँ पे कहते हैं जेम उत्तरंग अने निस्तरंग, है ना। गुरुदेव ने जबरदस्त एक एक शब्द का अर्थ किया, एक एक शब्द का। उत्तरंग एटले सु, उत्तरंग अने निस्तरंग, उत्तरंग एटले के दरियामां तरंग नु उठवु, दरिया में शू उठवु, तरंग नु उठवु, ए थई गयु उत्तरंग। अने निस्तरंग एटले के वो तरंग का विलय हो जाना, समुद्र में वापस समा जाना। फिर से उत्तरंग माने क्या, तो कहते कि वो लहर का उठना समुद्र में, और निस्तरंग माने क्या, तो कहते वो लहर का समुद्र में विलय हो जाना, ठीक है ना। ऐसी ये जो उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था किसकी, समुद्र की, है ना। उसमें अवस्थाओं ने पवन नु वावु अने नहीं वावु ते निमित्त होवा छता पण, माने पवन का होना और पवन का नहीं होना, बराबर ना, पवन का होना और पवन का नहीं होना। पवन का यह हुआ माने पवन आया, पवन की माने पवन आया और यहाँ पे समुद्र में तरंग उठी,
तो उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, और पवन का जाना, पवन का माने पवन का नहीं होना और समुद्र की तरंग का विलय होना, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक पना तो है। सुनना बराबर, निमित्त नैमित्तिक पना तो है बराबर। निमित्त होवा छता पण पवन ने अने समुद्र ने व्याप्यक व्याप्य व्यापक भावना अभाव ने लीधे कर्ता कर्म प्राणी असिद्धि होवा। क्या कहा? पवन और समुद्र, पवन और लहर के बीच में क्या नहीं है? व्याप्य व्यापक पना नहीं है। फिर से क्या नहीं है? व्याप्य व्यापक पना नहीं है। कर्ता कर्म पना तो है, सुनना, अरे सॉरी, कर्ता कर्म पना नहीं है, व्याप्य व्यापक पना नहीं है, निमित्त नैमित्तिक पना तो है, परंतु क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो कहते व्याप्य व्यापक पना नहीं है। समझ में आ रहा है? माने पवन कर्ता और उसके कारण से यह तरंग उठी, व्याप्य कार्य, तरंग उठना वो कार्य व्याप्य, और पवन होना माने पवन कर्ता, बराबर, पवन कर्ता और यहाँ पवन तरंग उठी, तरंग कार्य, तो ऐसा कर्ता कर्मपना नहीं है। किसके किसके बीच में? पवन के बीच में और लहर के बीच में, समुद्र के बीच में, बराबर, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक तो है, परंतु दोनों के बीच में क्या नहीं है? कर्ता कर्मपना नहीं है, है ना? तर्क से समझना, क्योंकि अगर वो पवन के कारण से तरंग उठी हो, पवन तरंग को उठाता हो, बराबर, तो फिर पवन तो पूरे जगह पे घूम रहा है ना, तो वो बिल्डिंग भी हिलना चाहिए कि नहीं, मकान भी हिलना चाहिए ना। हाँ, अगर पवन के कारण से वो तरंग उठी तो फिर वो बिल्डिंग के वहां पे भी हवा जोर से बहती है, तो फिर वो बिल्डिंग क्यों नहीं हिलता है? ये सिद्ध होता है कि वो पवन के कारण से वो कार्य नहीं हुआ है, दोनों स्वतंत्र है। पवन 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 रूप परिणमता है, पवन का कार्य स्वतंत्र और लहर का उठना भी स्वतंत्र है। पवन माने हवा लहर को उठाती नहीं है, क्योंकि अगर लहर को उठाए तो फिर पवन दूसरी सारी चीजों को भी हिलाना चलाना चाहिए कि नहीं, नहीं होता है। इसलिए सिद्ध होता है कि पवन और लहर के बीच में, समुद्र के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है, व्याप्य व्यापक पना नहीं है। पवन व्यापक और लहर उठी वो व्याप्य, ऐसा दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक पना नहीं है। ख्याल आ रहा है ना? बराबर, माने सोना और यहाँ पे सोनार जो चेन बनाने वाला, दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक पना नहीं है, बराबर, क्योंकि सोना और उसका उसकी जो पर्याय हुई ना, बंगड़ी रूप पर्याय, चेन रूप पर्याय, तो उसमें तो सोने का व्याप्य व्यापक पना है, पर सोनार के साथ सोने का व्याप्य व्यापक पना नहीं है, घड़े के साथ कुम्हार का व्याप्य व्यापक पना नहीं है, बराबर समझना, परंतु घड़े के साथ मिट्टी का व्याप्य व्यापक पना है। घड़े के साथ किसका व्याप्य व्यापक पना? मिट्टी के साथ, परंतु कुम्हार के साथ घड़े का, तो कहते व्याप्य व्यापक पना नहीं है। ऐसे यहाँ पे दृष्टांत ये दिया, कौन सा? पवन और लहर का। पवन व्यापक और लहर व्याप्य, ऐसा दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक पना नहीं है। समझ में आ रहा ना? निमित्त है क्योंकि मोजा दरिया में मोजा उठे ना, तो एमा पवन नु निमित्त पणु छे, अने ए मोजा शमाई जाए तो एमा पवन ना अभाव नु निमित्त छे, परंतु ए पवन ना कारणे अहिया मोजा उछड़िया एम नथी, अने पवन नु विलय थता ए मोजा नु विलय थई गयु तो के एम नथी। समझाय छे ने? क्योंकि पहले दृष्टांत को बराबर समझो, फिर सिद्धांत एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एम या के छे के बे वच्चे सु नथी, तो के छे व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म पणु नथी। क्लियर? ये दृष्टांत से हमें और अमृतचंद्र आचार्य जी ने सरल कर दिया। अब देखो आगे, हवे के छे यहां कि कर्ता कर्म पणानी असिद्धि होवाथी समुद्र ज पोते अंतर व्यापक थईने उत्तरंग अने अथवा निस्तरंग अवस्थाने विषे आदि मध्य अंतमा व्यापीने उत्तरंग अथवा
तरंग एवा पोताने करतो थको, पोताने करतो थको, पोताने पोताने एकने ज करतो प्रतिभासे छे। શું કીધું અભી આપે, ક્યા કહા કે હવે એ લહેર છે ને, ઉસ લહેર કે આદિ મધ્ય અંત મે, લહેર કે આદિ મધ્ય અંત મે કોણ વ્યાપક હે? સમુદ્ર વ્યાપક હે, હે ના? લહેર કે આદિ મધ્ય અંત મે કોણ વ્યાપક હે? અંતર વ્યાપક થઈને ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ અવસ્થાને વિશે આદિ મધ્ય અંતમાં સમુદ્ર વ્યાપીને ઉત્તરંગ અથવા નિસ્તરંગ એવા પોતાને કરતો થકો, એટલે સમુદ્ર એ ઉત્તરંગ અને નિસ્તરંગ અવસ્થાને કરે છે, બરાબર ના? માને ઉસ ઉસ પર્યાયકા કરતા સમુદ્ર હે, ઉસ પર્યાયકા ઉત્પન્ન હોના, લહેર કા ઉત્પન્ન હોના ઓર લહેર કા વિલીન હોને મે ઉસકા કરતા કોણ? ઉસકા કરતા સમુદ્ર, લહેર કા કરતા સમુદ્ર, લહેર કા કરતા પવન નહીં, એસા કહે રહે, ક્યોકી ઉસ લહેર કે આદિ મધ્ય અંત મે સમુદ્ર હે, उस लहर के आदि मध्य अंत में पवन नहीं है, क्योंकि समझना बराबर, लहर उत्पन्न हुई और लहर विलीन हुई तो उसका कर्ता कौन? उसका कर्ता समुद्र है, उसका कर्ता कौन नहीं तो कहते पवन नहीं, क्योंकि लहर के आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है तो कहते समुद्र व्यापक छे। पोताने एक नेच करतो प्रतिभासे छे, माने लहर को ही करता है कौन? समुद्र, પરંતુ અન્યને કરતો પ્રતિભાસતો નથી, અન્યને એટલે પવનને કરતો પ્રતિભાસતો નથી, સમુદ્ર પવન મે કુછ નહીં કર સકતા ઓર પવન સમુદ્ર મે કુછ નહીં કર સકતા, હે ના? મને કિતની યહાં પે ભિન્નતા સમજા રહે, યહાં પે દો દ્રવ્ય કી ભિન્નતા સમજા રહે, દો દ્રવ્ય કી, ક્યોંકિ દો દ્રવ્ય કી જબ તક હમ ભિન્નતા નહીં સમજેંગે ના, હમ અનાદિ સે દોનો કો એક માન કે બેઠ ગયે, એ શરીર ઓર આત્મા કો, जड़ की क्रिया वो मेरा कार्य और मैं उसका कर्ता, हम इन दोनों को एक मान के बैठे, यहाँ पे जबरदस्त भेद ज्ञान करा रहे। वो लालचंद भाई कहते थे ना कि प्रमाण थी बाहर जवू नहीं अने प्रमाण मा अटकवू नहीं, शू कीधु? प्रमाण थी बाहर जवू नहीं अने प्रमाण मा अटकवू नहीं, पहले तो प्रमाण में लाते अपन कोई आचार्य देव के, पहले प्रमाण से बाहर मत जाओ, क्योंकि मेरी जो मर्यादा है ना, वो मेरी मर्यादा मेरे द्रव्य गुण पर्याय में ही है, मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर गया ही नहीं, और मैं अपने आप को आत्मा नहीं मान के मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? हर समय ये नाम वाला, ये शरीर वाला, ये पुण्य पाप के उदय वाला, ये राग वाला, ये बोलने वाला, ये क्षेपक्षम वाला, है ना? तो ये सब पर्याय किसकी है? पुद्गल की है, और मेरी पर्याय तो जानने जानने निर्मल पर्याय, वो मेरी पर्याय, मैं उसका करता हूँ, पर द्रव्य का मैं रंज मात्र भी करता नहीं हुआ। अब देखो, अब सिद्धांत अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि वड़ी अब भोक्तापने को समझाएंगे, फिर सिद्धांत को समझाएंगे, अब उसी दृष्टांत में भोक्ता भोग्यपने को समझाएंगे। वड़ी जेम तेज समुद्र भाव्य भावकपणाना अभाव ने लीधे परभावनु परबड़े अनुभवावु अशक्य होवाथी उत्तरंग अने निस्तरंग पोताने अनुभवतो थको, पोताने एकने ज अनुभवतो प्रतिभासे छे, परंतु अन्यने अनुभवतो प्रतिभासतो नथी। पहले ऊपर कर्ता कहा, अंतर व्यापक थईने करे छे। अब यहाँ पे क्या काम? एक समुद्र। अब पहले आप भाव्य कौन और भावक कौन? देखो गुरुदेव ने बहुत जबरदस्त यहाँ पे अपने के लिए सरल कर दिया है, भाव्य सु अने भावक सु। भाव्य नो अर्थ लखो भाव्य, भाव्य एटले भोगववा लायक, भाव्य एटले भोगववा लायक, अने भावक एटले भोगनार, જે ભોગનાર છે ને એને ભાવક કહેવાય, અને જે ભોગવવા લાયક છે, જે ભોગવી રહ્યો છે, જે પર્યાયને ભોગવે છે, એ પર્યાય થઈ ગઈ ભાવ્ય, અને આત્મા થઈ ગયો ભાવક, હે ના? ભાવક એટલે, ભાવક એટલે મમ્મી ભોગનાર, અને ભાવ્ય એટલે ભોગવવા લાયક, ભાવ્ય એટલે ભોગવવા લાયક,
है ना। मैंने अब समझना, सिद्धांत में अपन बाद में करेंगे, परंतु यहाँ पे समुद्र के दृष्टांत में ही अभी आप अपन समझे क्या कहा यहाँ पे कि समुद्र जो है ना, तो वो लहर, समुद्र हो गया क्या भाव्य के भावक, समुद्र हो गया भावक और लहर हो गई भाव्य। माने समुद्र और लहर के बीच में भाव्य भावक पना है, परंतु समुद्र और पवन के बीच में भाव्य भावक पना नहीं है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? समुद्र और लहर के बीच में भाव्य भावक पना है, परंतु समुद्र और पर के बीच में भाव्य भावक पना नहीं है, है ना? क्योंकि समुद्र स्वयं भोगनार और लहर उसका भाव्य। ये दृष्टांत में कह रहे कि अयम के छे कि स्वयं अनुभवे छे, कौन? ए उत्तरंग अने निस्तरंग अवस्थाने समुद्र पोते अनुभवे छे, सब पोते अनुभवे छे। એટલે ભાવ્ય ભાવક સંબંધ સમુદ્ર લહેર કે બીચ મે, જેસે કર્તા કર્મપના વ્યાપ્તે વ્યાપકપના ઘટિત ક્યા, એસે યહાં પે ભાવ્ય ભાવકપના ઘટિત ક્યા। ભાવક માને ભોગનાર અને ભાવ્ય માને ભોગવા લાયક, ભાવ્ય માને ભોગવા લાયક, હે ના? એટલે જીવ પોતાની પર્યાયનો કર્તા પણ છે। અબ સિદ્ધાંત મે આયેગા, જીવ પોતાની પર્યાય, દ્રષ્ટાંત મે ક્યા કહા, સમુદ્ર લહેર નો કર્તા પણ છે અને સમુદ્ર લહેર કા ભોગતા ભી હૈ, પરંતુ સમુદ્ર પર કો કરે ઓર ભોગવે એસા સંભવ નહીં, ઓર પવન લહેર કો ભોગવે ઓર લહેર કો કરે એસા ભી સંભવ નહીં હૈ। પરસ્પર આપ લે લેના, પવન ના લહેર કો કરતા હૈ, પવન ના લહેર કો ભોગતા હૈ, ઓર ના સમુદ્ર પવન કો કરતા હૈ, ના સમુદ્ર પવન કો ભોગતા હૈ, परंतु समुद्र किसको करता है और किसको भोगता है, लहर को करता है और भोगता है। अब देखो सिद्धांत, सिद्धांत में कहा, अब यहाँ पे कह रहे तेवी रीते ससंसार अने निसंसार अवस्थाओं ने, अब दो अवस्था ली यहाँ पे, उसमें क्या दृष्टांत में उत्तरंग और निस्तरंग, यहाँ पे दो पर्याय कौन सी ली, ससंसार अने निसंसार। ससंसार इतने कई दशा, સંસાર એટલે મોરાગ્વેશ ની દશા લે, કઈ દશા, મોરાગ્વેશ ના પરિણામ, હે ના? સંસાર અવસ્થા, મોરાગ્વેશ કે પરિણામ, એ સંસાર બરાબર, સંસાર અવસ્થા અને નિસંસાર, નિસંસાર અવસ્થા એટલે કે નિર્મલ પર્યાય, નિસંસાર અવસ્થા એટલે કઈ પર્યાય, તો કહેતે નિર્મલ પર્યાય। મિથ્યાત્વ રાગદ્વેષ ના પરિણામ એ બધા સંસાર દશા, અને નિર્મલ પરિણામ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કે પરિણામ, નિર્વિકારી પરિણામ એ બધા નિસંસાર અવસ્થા, બે અવસ્થા ફરી, સસંસાર અને નિસંસાર। સસંસાર અવસ્થા એટલે મોહ રાગ દ્વેષના પરિણામ, અને નિસંસાર અવસ્થા એટલે નિર્મલ પર્યાય, નિર્વિકારી પર્યાય, હે ના? એ જો ભી શુદ્ધ પર્યાય હે વો નિસંસાર અવસ્થા। નિસંસાર અવસ્થાઓને, આ બે અવસ્થાઓને પુદ્ગલ કર્મના વિપાકનો સંભવ અને અસંભવ નિમિત્ત હોવા છતાં પણ, જો અભિતના પહેલે સમજો, હવે ઓલામાં કીધું તું દ્રષ્ટાંતમાં સમજો, એવી રીતે જ અભી સિદ્ધાંત, પુદ્ગલ કર્મના વિપાકનો સંભવ અને અસંભવ નિમિત્ત હોવા છતાં પણ, માને મિથ્યાત્વ કા રાગદ્વેષ કા ઇધર પરિણામ હુએ તો ઉસમેં પુદ્ગલ કર્મ કા વિપાક નો સંભવ, એટલે વિપાક નો એટલે કે પુદ્ગલ કર્મ નો ઉદય નિમિત્ત છે, પુદ્ગલ કર્મ નો ઉદય નિમિત્ત તો છે, હને? અને નિર્વિકલ્પ નિર્વિકારી અવસ્થા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર ની અવસ્થામાં એ જ પુદ્ગલ વિપાક નો અસંભવ નિમિત્ત છે, એટલે કે એ કર્મ ના અભાવ નિમિત્ત છે। નિર્વિકારી અવસ્થામાં કર્મ નો અભાવ નિમિત્ત અને વિકારી અવસ્થામાં કર્મનો ઉદય નિમિત્ત, પોઈન્ટ સમજમાં આ રહ્યા? દોનો ચીજ ફિર છે, આપ એક ચાર્ટ બના લો છોટા સા, મિથ્યાત્વ રાગદ્વેષ કે પરિણામે કર્મ કા ઉદય નિમિત્ત, ઓર સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કી પર્યાય મે કર્મ કા અભાવ નિમિત્ત, અભાવ નિમિત્ત, હે ના? તો એ દોનો પરિણામ મે એ કર્મ નિમિત્ત તો બનતે હૈ, એક મે કર્મ કા ઉદય નિમિત્ત ઓર એક મે કર્મ કા અભાવ નિમિત્ત। પરંતુ બરાબર સમજના, દેખો यहाँ पे कह रहे कि दोनों के बीच में कर्ता कर्म अपना नहीं है, माने कर्म के उदय ने जीव को राग कराया, पवन के कारण से लहर उठी, ऐसा नहीं है ना? ऐसे कर्म के उदय ने राग को कराया,
राग को कराया, ऐसा नहीं है। और कर्म का अभाव के कारण यहाँ पे निर्मल पर्याय हुई, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर कर्म के उदय राग कराता हो तो उदय तो हर समय रहेगा, उदय तो मुनिराज को भी आता है, उदय तो ज्ञानी को भी आता है। अगर उदय राग कराता हो ना, तो फिर राग का, संसार का, चार गति का, ये कभी हम पहले में गुणस्थान में से ये चौथे पांचवे छठे गुणस्थान की हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होगी। भले यहाँ पे राग हो, समय कर्म का उदय निमित्त तो है, परंतु कर्म का उदय राग कराता नहीं है। ख्याल आ रहा है? क्योंकि परिणाम संसार अवस्था, निसंसार अवस्था और कर्म का उदय और अभाव के बीच में क्या नहीं है, कर्ता कर्मपना नहीं है। क्या नहीं है? कर्मनो अभाव थयो इतनी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति थई, एम नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो अपने पुरुषार्थ से होती है। स्वसन्मुखता नो पुरुषार्थ करे, आत्मा नो अनुभव करे, तो अहिया ए समय सम्यक दर्शन की पर्याय स्वयं थी थाय छे, पोताना उपादान थी कार्य थाय छे, और उस समय कर्म का अभाव निमित्त कहलाएगा। बराबर? अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, कर्ता कर्म नी असिद्धि छे, होवा छता पण पुद्गल कर्म ने अने जीव ने व्याप्य व्यापक भावना अभाव ने लीधे कर्ता कर्म पणानी शू छे, असिद्धि छे। दोनों के बीच में क्या नहीं है, तो कहते कर्ता कर्म पणु नथी। विकार ना कर्म ना उदय ना कारणे मने अहीं विकार थतो नथी। देखो ये जो प्रकरण यहाँ पे पूरा चल रहा है ना, ये प्रकरण यहाँ पे चल रहा है, ये आत्मा और कर्म के बीच में भेद ज्ञान करावानी बात छे। अहीं प्रमाण ना द्रव्य में पहला लावे छे, समझना बराबर। यहाँ पे कर्म और आत्मा ये दोनों के बीच में भेद ज्ञान करा रहे, बाकी फिर तो अनुभूति का प्रयोजन जब होगा ना, अनुभूति का प्रयोजन, तब तो आत्मा सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों पर्याय का कर्ता नहीं, उसका अकर्ता। माने द्रव्य पर्याय के बीच में जब भेद ज्ञान कराएंगे ना, तो अपना आत्मा निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं और विकारी पर्याय का भी कर्ता नहीं। परंतु इधर तो प्रमाण का द्रव्य में लाना था आचार्य देव को, तो हमको कर्म से भेद ज्ञान करा है कि कर्म पर से दृष्टि हटा दो, कर्म ना मुझे विकार कराते हैं और कर्म ना विकार का अभाव कराते हैं, है ना। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। ये शुभ अशुभ परिणाम स्वयं अपने अशुद्ध उपादानगत योग्यता से जीव परिणमता है। इधर ज्ञानी को भी ले लिया, क्योंकि ज्ञानी को भी अस्थिरता जन्य राग है ना। सुनना बराबर, ज्ञान प्रदान शैली दो शैली है, दो शैली, उसको बराबर समझना। ज्ञान प्रदान शैली की अपेक्षा से ज्ञानी भी राग का कर्ता कहा। क्या कहा? ज्ञान प्रदान शैली की अपेक्षा से ज्ञानी को भी राग का कर्ता कहा। क्यों? क्योंकि राग का परिणमन है ना पर्याय में, तो परिणमन अपेक्षा से, ज्ञान प्रदान शैली की अपेक्षा से ज्ञानी भी उस राग का कर्ता है। राग का क्या है? कर्ता। कर्ता माने वो बुद्धिपूर्वक अभिप्राय पूर्वक करना करने वाला ऐसा कर्ता नहीं, परिणमन अपेक्षा से करता, क्योंकि जितना अभी राग है वो परिणमन हो रहा है ना राग का, बस इसलिए उसको कर्ता का। और एक दृष्टि प्रदान शैली होती है, दृष्टि प्रदान शैली में ज्ञानी को राग का अकर्ता का, दृष्टि प्रदान शैली में ज्ञानी को क्या कह दिया? राग का अकर्ता। ज्ञान प्रदान शैली में ज्ञानी को क्या कहेंगे? राग का कर्ता। अब अज्ञानी परिणमन अपेक्षा भी राग का कर्ता और श्रद्धा अपेक्षा से भी राग का कर्ता, दोनों अपेक्षा से राग का कर्ता। क्या लग रहा ना? क्योंकि वो तो अभिप्राय में भी अपने आप को राग ही मानता है ना, और अभी परिणमन भी है ना राग का, तो दोनों अपेक्षा से अज्ञानी राग का कर्ता, परंतु ज्ञानी श्रद्धा अपेक्षा से राग का अकर्ता और परिणमन अपेक्षा से राग का कर्ता। अभिप्राय श्रद्धा अपेक्षा से राग का अकर्ता कौन? ज्ञानी। और परिणमन अपेक्षा से राग का कर्ता। ख्याल आ रहा है? अज्ञानी तो अभिप्राय अपेक्षा से भी करता और परिणमन अपेक्षा से भी करता है, दोनों अपेक्षा से करता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये ज्ञानी को भी इसमें ले लिया, क्योंकि परिणमन अपेक्षा से जितना राग है उतना ज्ञानी राग के करता है,
परंतु ज्ञानी कर्म में कुछ कर सकते नहीं और कर्म राग कराए ऐसा भी नहीं है। परस्पर आप दोनों एक दूसरे के लिए ले लेना, आत्मा राग कर्म में कुछ ना करे और कर्म आत्मा में कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कहा, क्या कहा, उद्गल कर्म अने जीव ने व्याप्य व्यापक पणानो अभाव ने लीधे कर्ता कर्म पणानी असिद्धि। जीवज पोते, हवे कौन कौन, जीवज पोते अंतर व्यापक थईने ससंसार अथवा निसंसार, एटले के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नी पर्याय ससंसार एटले के मिथ्यात्व राग द्वेष नी पर्याय ना आदि मध्य अंत मा कौन छे, कौन छे, जीव छे। बहुत सरस मम्मी, आत्मा छे। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आदि मध्य अंत नी पर्याय मा पण कौन छे, ए पर्याय ना आदि मध्य अंत मा कौन छे, आत्मा छे, जीव छे, है ना। देखो दोनों पर्याय की आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है, जीव ज व्यापक छे, एम अहीं केवू छे, कर्म व्यापक नथी, बराबर ना। आदि मध्य अंत मा ससंसार ने निसंसार अवस्था ने विषे आदि मध्य अंत मा व्यापी ने ससंसार ने निसंसार एवो पोताने करतो थको, पोताने एक ने ज करतो प्रतिभासो, परंतु अन्य ने करतो न प्रतिभासो। अन्य ने करतो नथी, पोतानी पर्याय नो करता छे। कई पर्याय तो के छे, मिथ्यात्व की पर्याय हो या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय, दोनों की पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन है, आत्मा है, जीव है, परंतु कर्म उस पर्याय के आदि मध्य अंत में नहीं है। ख्याल आ रहा है ना, माने यहाँ पे परिणाम अशुद्ध होते हैं, मिथ्यात्व वाले होते हैं तो भी उसका कर्ता आत्मा, और निर्मल पर्याय होती है तो भी उसका कर्ता माने स्वयं आत्मा ही अपने भूल अपने को भूलकर ये मिथ्यात्व की पर्याय करता है, और स्वयं अपने का अनुभव करके ये जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमता है। कर्म का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये मिथ्यात्व रूप परिणमेगा तब कर्म का उदय होगा, और ये 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 निर्मल पर्याय रूप परिणमेगा तब कर्म का स्वयं में करना नहीं पड़ेगा, स्वयं में अभाव हो जाएगा, है ना। इसलिए पूज्य बेन जी कहते थे ना कि भविष्य नी चित्रामणी करवी, कर्म नो अभाव निमित्त कहवाय, भविष्य नी चित्रामणी करवी ए मारा हाथ में छे। कौन हाथ में छे, भविष्य नी चित्रामणी करवी ए मारा हाथ में छे। माने वर्तमान सुधरेगा ना तो उसका भविष्य भी सुधरेगा, और ये पुरुषार्थ स्वयं को करना है। सब ज्ञानी हमें समझाते हैं, ज्ञानी हमें ये 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 मार्ग बताते हैं, वस्तु स्वरूप हमें समझाते हैं, परंतु ये समझ कर अंदर में समाने का काम तो स्वयं को करना है कि नहीं, पुरुषार्थ तो स्वयं को करना है, क्योंकि निमित्त अपने कार्य करने के लिए कल कहा था ना अकिंचित कर छे, अकर्ता छे, अकर्ता छे, क्योंकि अगर निमित्त से कार्य हो तो हम अनंत बार समोषरण में चले गए, अनंत बार मारीची की पर्याय में उनको महावीर भगवान के जीव को उत्कृष्ट उत्कृष्ट निमित्त थे आदिनाथ भगवान, और अब निमित्त को सोचते हैं, परंतु निमित्त उत्कृष्ट उत्कृष्ट थे आदिनाथ भगवान, तो वो भी कह कि मारीची का जीव विरोध करके समोषण में से निकल गया, और जब शेर की पर्याय में उपादान जगा तो दो मुनिराज के वो थोड़े से उपदेश सुनने पर वो उनका काम हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, पाठ लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। आपको समझ में आ रहा है, माने ये यहाँ पे उपादान, पूज्य बेंची कहते थे ना बारंबार कि उपादान ने जगाड़ो, निमित्त ने नहीं शोधो, उपादान जगाड़सो तो निमित्त स्वयं मरी जसो। सोगानी जी का उपादान जगा तो गुरुदेव श्री सामने मिल गए, बेंची का उपादान जगा तो सामने गुरुदेव श्री की वाणी निमित्त बन गई। यहाँ पे कहते हैं अपना उपादान, अपने पवित्रता, अपने परिणाम, अपनी निर्मलता, बारंबार ऐसे तत्व ज्ञान में उपयोग को लगाए। कल कहा था ना ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञान हमें एक क्षयोपशम का उघाड़, ये संगनीपना, ये सब मिलना कितना दुर्लभ है।
माने ये ज्ञान का हम दुरुपयोग करेंगे तो अक्षर के अनंतवा भाव का ज्ञान होते देर नहीं लगेगी। कहते ना, जैसे प्रणाम करते हैं वैसा फल मिले बिना रहेगा नहीं। माने जो इंद्रिय से अपन पाप करेंगे वो इंद्रिय हमसे छीनी जाएगी। हम चक्षु इंद्रिय से टीवी देखते रहेंगे, हम चक्षु इंद्रिय से न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, हम चक्षु इंद्रिय हमें मिली है तो हम उससे ये क्या बाहर के दृश्य देखते रहेंगे, तो कहते हैं भविष्य काल में ऐसा होगा कि वो चक्षु इंद्रिय नहीं मिलेगी। हम कर्ण इंद्रिय के द्वारा हम पिक्चर के गीत आदि ये सुनते रहेंगे तो हमें भविष्य में कर्ण इंद्रिय नहीं मिलेगी। हम ये जिह्वा इंद्रिय मिली है तो उससे अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने की लोलुपता आ सकती और वी कथा यहाँ वहाँ की बातें है ना, निंदा करना ये सब करेंगे तो हमारे हमसे ये जिह्वा इंद्रिय छीनी जाएगी। स्पर्श इंद्रिया एक एक इंद्रिय के लोभ में, एक एक इंद्रिय में आसक्त जीव इंद्रियों इंद्रिया से कैसा हो जाता है, एक इंद्रिय मात्र रह जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि समय बुद्धि और शक्ति का क्या कर लो, सदुपयोग कर लो, है ना। अब देखो यहाँ पोता ने एक निज करतो प्रतिभासो, परंतु अन्य ने करतो न प्रतिभासो अने वड़ी तेवी रीते आज जीव भाव्य भावक ना अभाव ने लीधे पर भावनु पर वड़े अनुभवावु अशक्य होवा थी ससंसार अथवा निसंसार रूप पोताने अनुभवा अनुभवतो ठको, पोताने एक ने अनुभवतो प्रतिभासो, परंतु अन्य ने अनुभवतो न प्रतिभास। शू कीधु यहाँ के संसार अवस्था मा अने निसंसार अवस्था मा, है ना। संसार अवस्था मा आ आत्मा राग ने ज भोगवे छे, कोने भोगवे छे, राग ने भोगवे छे, अने नी संसार अवस्था मा कोने भोगवे छे, आनंद ने, अतिन्द्रिय आनंद ने भोगवे छे, परंतु अन्य द्रव्य ने, पर द्रव्य ने, कर्म ने आत्मा कदीए क्यारे भोगवतो प्रतिभासतो नथी। माने संसार अवस्था मा गुरुदेवे सरस अहीं लख्यू छे कि संसार अवस्था मा आत्मा कोने कोनो भोगता छे, कोनो भोगता छे, विकारी परिणाम ने भोगवे छे, अने निसंसार अवस्था मा कोने भोगवे छे, तो के छे के आनंद ने, ज्ञान ने, निर्मल पर्याय ने भोगवे छे, परंतु कर्म ना उदय ने कोई ने कर्ता के भोगवतो नथी। शरीर नो भोगता नथी अने शरीर नो करता नथी। गुरुदेव घणी वार के छे ने जो यहाँ लख्यु छे के लाडू लापसी मैसूब आ बधा ने जीव क्यारे भोगवतो नथी। मैं लाडवा ने भोगव्यू तो के छे एज मोटा मा मोटो भ्रम छे, मिथ्यात्व छे, कारण के ए संबंधी ना राग ने भोगवे छे। कौन? अज्ञानी। अने ज्ञानी कोने भोगवे छे? ज्ञान ने वेदन करे छे, ज्ञान ने भोगवे छे, बराबर ने। जे पर्याय छे एने भोगवे छे, परंतु पर ने, कर्म ने आत्मा क्यारे भोगवी शकतो नथी। आहा, एटलू अहीं जबरदस्त गुरुदेव श्रीए खुलासो कर्यो। अहीं वात करे छे गुरुदेव श्री के छे के पर नो तो क्यारे कोई भोगता थतो ज नथी, कौन ज्ञानी होय के अज्ञानी होय, परंतु ज्ञानी ज्ञान ने अने 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 अज्ञानी राग ने भोगवे छे, एम अहीं आ गाथा मां कहेवा मांगे छे। आना ઉપર થી આખું આપણે એ સિદ્ધ થાય છે, એ અહીંયા સિદ્ધ કરવું છે કે આપણે ઉલટો પુરુષાર્થ કરશું તો સંસાર અવસ્થા રહેશે અને સંસાર અવસ્થામાં આપણે રાગના ભોગતા બનીએ છીએ, અને આપણે સમ્યક પુરુષાર્થ હમ કરેંગે તો હમ નિર્મલ પર્યાય કે ભોગનાર કરતા હોંગે ઓર યે સંસાર કા અભાવ હોકર મોક્ષ દશા કી પ્રાપ્તિ હોગી। પરંતુ કિસી પરદ્રવ્ય પર હમ દોષ ના દે, પરદ્રવ્ય કા કોઈ ભી દોષ નહીં હૈ, પૂરે જગત કો ઇસમે સે યે ભી હમ હમ હમે સમજ મે આતા હૈ કે પૂરા જગત નિર્દોષ હૈ, कि कौन है, निर्दोष है, बराबर। और दोष होते हैं तो स्वयं के कारण से, और दोष मिटते हैं तो स्वयं के सम्यक पुरुषार्थ से दोष का अभाव होता है। ये हमने इस गाथा में से समझा। दो लाइन का भावार्थ, तीन लाइन का भावार्थ वो हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहते हैं भावार्थ। आत्मा ने, अब सरल कर दिया जयचंद जी पंडित जी ने, आत्मा ने परद्रव्य उद्गल कर्म ना निमित्त थी, आत्मा ने परद्रव्य
पुद्गल कर्मना निमित्त थी, संसार नी संसार अवस्था छे, निमित्त थी, निमित्त थी छे, ते अवस्था रूप आत्मा पोतेज परिणमे छे, तेथी ते पोतानेज करता भुक्ता, पोतानोज करता भुक्ता छे, पुद्गल कर्मनो करता भुक्ता तो कदिये नथी या, पुद्गल कर्मनो करता भुक्ता क्यारे पण थतो नथी, परंतु ए पोतानी अवस्थानो करता छे अने पोतानी अवस्थानो भुक्ता छे। संसार अवस्था मां रागनो करता ने भुक्ता अने नी संसार अवस्था मां एटले के सम्यक दर्शन थाय तो आनंदनो ज्ञाननो निर्मल पर्यायनो करता अने भुक्ता छे, परंतु परनो करता अने भुक्ता क्यारे पण आत्मा थतो नथी, एम अहींया आ गाथामां કહેવા માંગે છે આચાર્ય દેવ। અને ગુરુદેવશ્રીનું આ જે પ્રવચન આખું આના ઉપર છે, બહુ જ સરસ સુંદર રીતે ગુરુદેવશ્રીએ બહુ સરસ ખુલાસો કરી અહીંયા આખું આ વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, બે દ્રવ્યની ભિન્નતા સમજાવી કે ક્યારે પણ આત્મા પરને કરી ન શકે અને ભોગવી ન શકે, અને પર ક્યારે આત્માને કરી ન શકે અને ભોગવી ના શકે, એવી રીતે એ સમજા કે ભેદ જ્ઞાન કરકે હમે પ્રમાણ કે દ્રવ્ય મેં લાયે, પહેલા હમ પ્રમાણ કે દ્રવ્ય મેં આયે ફિર હમે વો દ્રષ્ટિ કે વિષય કે ઉપર લે જાયેંગે, હમ એસી એસે ભેદ જ્ઞાન કરકે હમ આત્મસન્મુક્તા કા પુરુષાર્થ કરકે સમ્ય દર્શન કી પ્રાપ્તિ કર લે, ઇસી મંગલ ભાવના કે સાથ હમ સ્વાધ્યાય પૂરા કરતે હૈ। આજ શામ કો જો ઇસકે બાદ 84 નંબર કી જો ગાતા હૈ વો અપન લેંગે। हाँ विशा आंटी, हाँ बोलो अंबाला विदेना सिमंदर भगवान नो जय हो, बोलो अनंत अनंत उपकारी कान गुरु देव नो जय हो, बोलो प्रशम मूर्ति भगवती मात नो जय हो, बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो, बोलो समय सारजी ग्रंथादि राज नो जय हो, जय जिनेन्द्र बदाने।